अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अगला इन्फेक्शन हम लोग करने लगे वो है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। पहले भी पढ़ा हुआ है जाहिर आप लोगों ने, और इसके नाम सुनते ही जहन में एक बात आ जाती है कि कैट्स से कोई बात एसोसिएटेड थी। तो बिल्कुल ये इसका ऐसे सिलसिला था कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस आपका इन्फेक्शन है टॉक्सोप्लाज्मा प्रोटोजोआ आपका, जिसकी वजह से हो जाता है, जो कि इंट्रासेलुलर इन नेचर है। और ये आपसे एमसीक्यू में पूछते होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो सारे इंट्रासेलुलर नहीं होते, लेकिन टॉक्सोप्लाज्मा इज इंट्रासेलुलर, जो कि सिर्फ सेल्स के अंदर ग्रो करता है। कि ये पैरासाइट्स जो ब्लड के अंदर होते हैं, कि ऐसे जो टिश्यूज के अंदर होते हैं, ये इंट्रासेलुलर है। ये जहन में एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, तो टॉक्सोप्लाज्मा जो आपका पैरासाइट है वो बेसिकली जो इसका मेन डेवलपमेंटल एरिया होते हैं, सेक्सुअल साइकिल, इसकी कैट्स के अंदर हो रही होती है। कैट्स भी जो नॉर्मल डोमेस्टिक कैट्स हैं, हमारे घरों में फिरने वाली जो बिल्लियां होती हैं, उनके अंदर इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है। और उसके बाद जब ये ह्यूमंस को ट्रांसमिट होता है बाय द कैट फीसेस, कैट की फीसेस डायरेक्टली तो ह्यूमंस के पास नहीं आती। किस तरह से आ सकती है? कैट की फीसेस गई किसी सॉइल में और वो सॉइल के अंदर जो है वो वेजिटेबल्स ग्रो किए गए, या वो सॉइल थी जिसके पास आसपास कोई वेल था, वेल का वाटर कंटेमिनेट हो गया उसकी वजह से। तो बेसिकली इसके थ्रू जो है वो ह्यूमन को इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर काफी अर्से तक इसके ऊसिस्ट जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको पता होना चाहिए, या तो वेजिटेबल्स हैं जो उस सॉइल में से आई, या फिर पानी गंदा आया है। उसके अलावा जो कैट्स के ऊसिस्ट है, मतलब कैट्स के अंदर तो उसके सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है ना, जो कैट्स उस सिस्ट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा में रिलीज करती है, वो बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। बाकी में क्या क्या, शीप, कैटल, पिग, बर्ड्स, इन सबको भी इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर इनमें से कोई चीज ह्यूमन बीइंग्स खाएंगे, किसी का मीट खाएंगे, जैसे कैटल का मीट खाया जाता है, शीप का खाया जाता है, तो वो अनकुक्ड होगा, तो उसमें भी अगर उस सिस्ट होगा तो वो ह्यूमन्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसलिए पता होगा तो आपको डायग्नोसिस बना सकेंगे। ये हमारे अंदर आ जाते हैं इस तरह से, और उसके बाद जब ये आ जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि इसका एक पूरा ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सेक्सुअल साइकिल शुरू होता है, जिसको याद करने की जरूरत है। बस इतना पता होना चाहिए कि इसके फीचर्स क्या आते हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में ये तकरीबन 90% ऑफ टाइम्स में बिल्कुल एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन चला जाता है और पता भी नहीं चलता, ठीक है। या तो एसिम्टोमेटिक होगा, या फिर इतना माइल्ड सा इन्फेक्शन होगा, जिस तरह से होता है ना सिंपल, या तो सिंपल लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट होती है आपके, पेनलेस लिम्फ नोड्स एनलार्जमेंट जो कि अननोटिस्ड रहती है, या फिर ये भी नहीं होगा, थोड़ी बहुत स्वेलिंग पेशेंट होगी, अक्सर पेशेंट ध्यान ही नहीं देते। अगर कुछ होगा तो क्या होगा, सादा सा बुखार, गला खराब, वीकनेस, थोड़ी सी बॉडी एक्स, मतलब एक नॉर्मल किसी का बुखार गला खराब हो जाए तो साथ साथ वीकनेस हो जाना, जिससे में दर्द होना, ये नॉर्मल सी बातें होती है। तो ये सब कुछ होगा और पेशेंट या तो सिंपल इसके एंटीबायोटिक्स ले लेगा, कुछ भी नहीं लेगा, और बेसिकली जो पीछे कॉज होती है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होती है, वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में इसका ऐसा ही कोर्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। बहुत ही कम होता है किसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो, जो कि फिर वही बात है कि है तो ये पैरासाइट किसी भी जगह का इन्फेक्ट कर सकते हैं। ब्रेन में जाएगा, इनकेफ्लाइटिस करेगा, हार्ट में जाएगा, मायोकार्डाइटिस करेगा, लिवर में जाएगा, हेपेटाइटिस करेगा, लंग्स में जाएगा, निमोनाइटिस करेगा, तो कर कुछ भी सकता है, लेकिन बहुत रेयर है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं वहां पर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो फीटस एबनॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। अगर पेशेंट एक कंसेप्शन हुआ है, मतलब एक फीमेल थी जिसको कंसेप्शन से 6 महीने पहले ये इन्फेक्शन हुआ था, तो फिर फीटल एनोमलीज होने का चांस 0% है, 6 महीने पहले अगर हुआ था। लेकिन 6 महीने के बाद, मतलब कंसेप्शन से 6 महीने के अंदर अंदर हुआ हो, या ड्यूरिंग कंसेप्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर कंसेप्शन या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ हो, तो फिर ये फीटल एबनॉर्मेलिटीज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बहुत जो मेजर फीटल एबनॉर्मेलिटी होती है वो रेटिनोकॉन्ड्राइटिस होता है, यानी कि उस फीटस की आंख की एबनॉर्मेलिटीज होती है, उसकी आई में रेटिना और कोरोइड की रेटिनोकोरोडाइटिस होता है, रेटिना और कोरोइड की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो बहुत ज्यादा टिपिकली उसकी फंडोस्कोपिक अपेयरेंस भी होती है, वो आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा ये फीटल हेड की एबनॉर्मेलिटीज करता है, हाइड्रोकेफिलस कर देता है, या हेड की छोटी छोटा सर बनता है, माइक्रोकेफिली होती है। तो आपके पास जो सिनेरियो आता है ना, वो हमेशा तकरीबन एक प्रेग्नेंट लेडी का आता है, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस उन्हें बताना होता है, ठीक है। एक तो ये कि ये डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में भी ये कॉमन नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ घर में पालतू बिल्लियां रखने का इतना रिवाज नहीं है। जो बिल्लियां होती भी हैं तो वो वैसे होती हैं जो वेंडरिंग कैट्स होंगी, लेकिन घर में रखने का उतना ज्यादा रिवाज नहीं है जितना यूरोपियन साइड पे है। तो इस वजह से यूरोपियन एरियाज में आपकी ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस बहुत कॉमन है। और जो सिनेरियो आता है वो ये आता है कि आप फीमेल प्रेजेंटेड टू यू, प्रेग्नेंट फीमेल, नहीं, ड्यूरिंग आपको कहेंगे फीटस, जो न्यूबॉर्न फीटस था उसको रेटिनोकॉन्ड्राइटिस हुआ था, और उसकी जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देर वॉज अ हिस्ट्री ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन फ्रॉम अ पैरासाइट। और उसके साथ वो आपको बता देते हैं कि
जिसके फीमेल को इतने फीचर्स नहीं आए थे लेकिन बच्चे को ये कुछ हो गया। तो ज्यादातर आपके पास सिनेरियो इस तरह से था। एंड ये घर में उन्हें बिल्ली रखी हुई है, ये भी हिस्ट्री में अक्सर औकात उन्हें लिखा हुआ होता है, ठीक है, क्योंकि बिल्लियों का इससे सारा ताल्लुक है। तो आपका बिल्ली रखी हुई अगर घर में बता दें तो फिर तो दूसरी बात ही नहीं आती, क्योंकि टॉक्सोप्लाज्मोसिस द ओनली इन्फेक्शन जो बिल्ली से ट्रांसमिट होता है। और अगर एमसीक्यू में आएगा तो एमसीक्यू में इसकी कुछ चीजें आती है, मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस इंट्रासेलुलर है, कैट से ट्रांसमिट होता है, याद रखने, बच्चों में रेटिनोकॉन्ड्राइटिस करते हैं ये याद रखने, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में हमें ब्लड में डायरेक्ट पैरासाइट को डिटेक्ट करना जरूरी होता है, वो मिल भी जाता है बड़े आराम से। इम्यूनो कॉम्पिटेंट में हमें डायरेक्ट पैरासाइट कई बार ब्लड में नहीं मिलता, क्योंकि जब बॉडी अंदर जाती है तो बॉडी की इम्यूनिटी उस पैरासाइट से लड़ने लग जाती है और उसकी वजह से पैरासाइट डायरेक्ट ब्लड में कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाता। इसलिए इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में जो टेस्ट करना होता है वो है एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, IgG एंटीबॉडी हम चेक करते हैं अगेंस्ट दिस। और IgG एंटीबॉडी को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है वो सेबिन फेल्डमैन डाई टेस्ट, ठीक है, ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, फ्लोरेसेंस डाई होती है एक, वो हम अंदर डालते हैं और IgG एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेते हैं। इम्यूनो कॉम्पिटेंट में इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है। IgG एंटीबॉडीज का लेवल काफी ज्यादा अगर राइज हुआ होता है, फोर फोल्ड राइज किया होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन है ये, जो कि अभी अभी हुआ है। उसके बाद अगर हमें देखें हम तो टॉक्सोप्लाज्मा स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडी हमें बताती है कि इन्फेक्शन रिसेंट था या नहीं था, क्योंकि IgG तो दो महीनों तक हाई ही रहती है लेकिन IgM होती है जो शुरू के दिनों में होती है। तो टॉक्सोप्लाज्मा स्पेसिफिक IgM बताती है कि इन्फेक्शन बिल्कुल अभी रिसेंट है, मतलब एक हफ्ते का है या एक डेढ़ महीना दो महीने हो चुके हैं, ठीक है, इससे पता चल जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना हमें बहुत जरूरी होता है डिफ्रेंशिएट करना कि इन्फेक्शन बिल्कुल एक्यूट था दो चार महीनों का है छह महीनों का है, इसलिए आपने उस वक्त जो आपने करानी होती है वो ये हाई IgG एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि IgG ये बताती है कि कितना ज्यादा लेवल इसका राइज था और कितना रिसेंट इन्फेक्शन हुआ। हो सकता है तीन चार महीने का अंदाजा IgG एंटीबॉडी से हो जाता है, तो प्रेगनेंसी में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि फीटल एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट किया जा सके। और अगर हमें मजीद जरूरत होती है कि हमें कंफर्म नहीं हो रहा तो फिर हम जिस लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट होती है उसकी बायोप्सी कराते हैं, उसमें टॉक्सोप्लाज्मा को डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेते हैं या फिर ब्लड में PCR करा के DNA ऑफ द पैरासाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली आप ऊपर वाले टेस्ट जो आपके डाई टेस्ट है उसी से डायग्नोसिस कर लेते हैं। मैनेजमेंट इसकी बहुत सिंपल सी है, क्योंकि मोस्टली इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में होगा तो सेल्फ लिमिटिंग होगा, आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं होगी, आपको एंटीबायोटिक देंगे भी तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ अर्से में। अगर जरूरत पड़ती है, बहुत सिवियर इन्फेक्शन है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों की बात कर रही हूँ, इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोगों में बहुत सिवियर इन्फेक्शन और आपको लगता है कैसे नहीं ठीक हो रहा, फिर आपने डायग्नोस कर लिया है, तो फिर आप क्या देते हैं, सल्फाडाइजीन, पायरिमेथामिन या फोलिनिक एसिड, या आपने पढ़ी दी सारी की सारी एंटीबायोटिक्स, ये आपकी फोलिक एसिड की जो इनहिबिटर्स होती है जो कि पैरासाइट के फोलिक एसिड को इनहिबिट कर देती है, ये सल्फाडाइजीन और पायरिमेथामिन उस ग्रुप में आती है, तो ये आप दे देते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को। अब आपके पास इंपॉर्टेंट बात होती है प्रेगनेंसी में आपने क्या दे रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में आपने स्पायरामाइसिन देनी होती है ड्रग लाजमी तौर पे अगर इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ है, और उसके साथ आप एसोसिएटेड सल्फाडाइजिंग पायरिमेथामिन एंड कैल्शियम फोलिनिक एसिड भी देते हैं पेशेंट को। ये सारी प्रेगनेंसी या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी खुद एक ऐसी स्टेट है जिसमें काफी चीजें चेंज हुई हुई होती है, तो आपको जाहिर है उसमें एक्सेसिव केयर की जरूरत होती है। तो यहां पर ये बात हमारी खत्म हो जाती है, किसी को कोई मसला हो, थैंक यू।